दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पढ़ाई में जीरो और फिल्मों के सुपर हीरो के बारे में। तो भैया आप कुछ लोग सोचेंगे कि स्पाइडरमैन और सुपरमैन के बारे में, तो नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान के बारे में। दोस्तों आपको बता दूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि जब हम लोग सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, तभी हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन मिलता है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो दोस्तों आमिर खान 14 मार्च 1965 को मुंबई के बांद्रा में पैदा हुए थे और उनके पिता का नाम ताहिर हुसैन और उनकी माता का नाम जीनत हुसैन है। दोस्तों उनकी पहली शादी रीना दत्ता के साथ हुई थी और 2002 में उनका तलाक हो गया और फिर 2005 में किरण राव के साथ में उनकी शादी हुई है। दोस्तों आज की हम उनके नेटवर्थ की बात करें तो आज यानी 9 जनवरी 2021 तक उनका टोटल नेटवर्थ 225 मिलियन डॉलर यानी कि 1780 करोड़ रुपए होते हैं। तो आज के ज़माने में उनका इतना ज़्यादा नेटवर्थ है, बल्कि उनकी फिल्में काफ़ी कम आती हैं और जो कि फिल्म आई थी उनकी थग्स ऑफ हिंदुस्तान वो फ्लॉप भी हो गई थी। दोस्तों आमिर खान भारत के प्रसिद्ध शहर मुंबई में पैदा हुए थे। वो मुस्लिम परिवार में जन्मे आमिर खान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वंशज होने के कारण उनका कनेक्शन अफगानिस्तान के हेरात शहर में देखे जाते हैं। आमिर खान भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के भी वंशज हैं और भारत के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला के दूसरे भतीजे हैं। दोस्तों कहते हैं कि जन्म से पहले ही आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन ने उनका नाम आमिर रख दिया था। आमिर का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला। आमिर खान बचपन से ही बातून, शरारती और रोब झाड़ने वाले व्यक्ति थे और बड़े बड़े सपने देखते थे, जैसे कि हम लोग भी देखते हैं यार, इसमें कोई वो बात नहीं, गलत बात थोड़ी थी। या अपने टॉपिक वाली बात करते हैं तो दोस्तों उन्हें विल पॉल स्थित एमएन कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उन्हें होमवर्क के लिए आए दिन मुर्गा बनाना पड़ता था, जबकि वो आज तक अंडे नहीं दे पाए वो अलग बात है, और उन्हें मार भी खानी पड़ती थी, इसलिए जैसे तैसे वे इंटर तक ही पढ़ पाए। तब उन्हें कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था, बाद में ड्रामा और स्पोर्ट्स भी उनके शौक बन गए, वे टेनिस और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे। दोस्तों तब उनके पिता ने उन्हें सजेशन दी कि अपने चाचा नासिर हुसैन के असिस्टेंट बनकर एक्टिंग और फिल्म मेकिंग का अध्ययन करो, फिर कयामत से कयामत तक फिल्म से उन्होंने हीरो बनने का सपना भी साकार कर लिया। उसके बाद उनके करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, परंतु होली फिल्म से वे लोगों के दिलों में छा गए और फिर उन्होंने आमिर खान प्रोडक्शन की स्थापना की, लगान फिल्म का निर्माण किया और सक्सेसफुल निर्माता बन गए। इस तरह से आमिर खान एक बॉलीवुड के सुपरस्टार बनने के साथ सफल निर्माता भी बन गए। कई फिल्मों में आमिर खान ने संगीत भी लिखे और गाए, साथ ही हम हैं राही प्यार के स्क्रिप्ट में सहायक लेखक की भूमिका भी निभा चुके हैं। दोस्तों मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं, उनके हाइट कम होने के बाद भी बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाया है। आमिर खान ने कई सारी मुश्किलों के बाद भी ऐसी सक्सेस हासिल की जिसकी सपने देखते हैं। वह अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर कई सुपरहिट फिल्में कर चुके हैं। साथ ही आमिर खान सुपरस्टार होने के साथ एक सक्सेसफुल निर्माता भी हैं, उन्होंने लगान, दंगल जैसी फिल्मों को बनाया और एक सफल डायरेक्टर भी बन गए हैं, जिसके कारण उनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी मिला है। दोस्तों अगर हम आमिर खान के सक्सेस रेशियो की बात करें तो उनकी 5 से ज़्यादा फिल्म ने 300 करोड़ का कारोबार किया, वो बॉलीवुड में सबसे महंगे स्टार हैं। आमिर खान की 2005 के बाद लगभग सभी फिल्में सुपरहिट हुई, बाकी के बॉलीवुड एक्टर से कहीं ज़्यादा सक्सेस रेशियो है। आमिर खान की फिल्म दंगल ने सबसे ज़्यादा कमाई करी है, वह फिल्म भारत ही नहीं अनेक देशों में सुपरहिट हुई और आमिर खान कहते हैं लोगों को इसलिए याद नहीं किया जाता कि वे कितनी बार असफल हुए, बल्कि इसलिए याद किया जाता है कि वे इतनी बार सफल हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।